मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति दोंदर सेल्समैन एवं प्रभारी समिति प्रबंधक उमेश पांडे के ऊपर ग्राम बासण निवासी रामकिशन कोल पिता महावीर कोल के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें जमीन आवंटित की गई थी, जिस पर वो मजदूरी करके और कर्ज लेकर मकान बनवा लिया था। मकान को सेल्समैन उमेश पांडे के द्वारा शासकीय खाद्यान्न रखने के लिए किराए पर लिया गया था, जिसमें सेल्समैन ने 2,500 रुपए महीने भुगतान करने की बात कही थी, मगर 8 साल पूरे हो जाने के बावजूद आज तक किराया नहीं दिया गया। पीड़ित ने बताया कि 2 लाख किराया होता है, जिसमें 1 लाख दिया गया है। इसके बावजूद उसकी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कार्य करके कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जवा तहसीलदार के यहाँ भी की गई है। पीड़ित ने बताया कि उमेश पांडे के द्वारा धमकी दी जा रही है कि वो उसकी जमीन को खाली नहीं करेगा। गौरतलब है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। रीवा जिला में आदिवासी जमीन खरीदने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। रही बात रामकिशन की जमीन की, तो आवंटन की जमीन को ना तो रामकिशन कोल बेच सकते हैं और ना ही से कोई खरीद सकता है। वही देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। का नाम है अपना? के रामकिशन कोल। कहाँ के आए हैं? ग्राम बौसर। का समस्याएं हैं? समस्या यह है कि हमारी घर बनवाए रहें। अच्छा। एक हम भाड़ा में दे रहे हैं। कौन घर बनवाए रहे? ये सामने वाला। अच्छा। सोसाइटी से समय ने उमेश पांडे। हाँ हाँ। ले रहे का। अच्छा। भाड़ा में। कब ले रहे? ये 8 साल हुए साहब। हाँ। 8 साल हो गया। का किराया दे रहे हैं अपना? का नहीं, किराया नहीं दे रहे हैं इनसे। हम 1 लाख रुपया थो थो के दे रहे हैं हम कई। अच्छा। तो ये कह रहे हैं पट जाइयो ही मतलब। हाँ हाँ। अब पड़ तक हो ही पैसे हम मांगी थे अपन घर पैसा हिसाब कराए तो हिसाब करा नहीं आई। अच्छा। अब यह घर जो हमारे बाउंड्री तने है या दादागिरी दमा गई बस पैसा के बल से अपने। हाँ। एक तनवा रहे हैं। अच्छा। ये हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन है, विनती है। इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? हाँ, इसकी शिकायत हम तहसील में किए हैं। अच्छा, तहसील में किए हैं। हाँ, बेदखली की। अच्छा, ये अभी किसके नाम है? ये जमीन हमारे नाम है। आपके नाम है? हाँ, 201/12। हाँ। का सीमांकन है, नक्शा तरमीन है। हाँ। पुष्टिकरण पूरा है। अच्छा। हाँ, हम गरीब आदमी है, कलेक्टर साहब से हमारा यही अनुरोध है कि हमें हमारी जमीन दिलाई जाए। अच्छा। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त, प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।